नमस्कार, डॉक्टर रश्मि राय बालको मेडिकल सेंटर में ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। अभी अप्रैल मंथ हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर के जो नंबर्स हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड में और इंडिया में खासतौर पर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बहुत से कारण हैं, उन कारणों के बारे में अगर हम समझने जाएं तो कुछ मेन कारण ऐसे होते हैं जैसे कि टोबैको, तंबाकू है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो गुटखा, तंबाकू, खैनी, किसी भी फॉर्म में अगर जब हम खाते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे कैंसर होने की संभावना, खासतौर पर मुँह और गले के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से अल्कोहल है, शार्प टूथ है, शार्प डेंचर्स है, ये सारे कारण जो कंटिन्यूस चोट पहुंचाते रहते हैं हमारे मुंह के और गले के किसी भी भाग को, उस जगह पे कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर हम इन बातों पे ध्यान दें, इन चीज़ों में से हमारी कोई भी आदत है तो हमें वो आदत छोड़नी है, ताकि हम इस जो हेड एंड नेक कैंसर जो एक ग्रुप बनता है, हम उससे अपने आप को बचा सकें। अब हमें ये समझना है कि हेड एंड नेक कैंसर होता क्या है, हम किस चीज़ को हम हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। कोई भी कैंसर जो है, हेड और नेक वाले रीजन, हेड में कौन कौन सा पार्ट आएगा, हमारा मुंह आता है, मुंह में आपका गाल है, आपका जीभ है, आपके गम्स हैं, आपके तालू है, ये सारा चीज़ मुंह के पार्ट में आता है। उसी तरह जबान के पीछे का पार्ट जो ओरोफेरिंग्स भी कहते हैं, और फिर गले का पार्ट, गले में आपका वॉइस बॉक्स रहता है, ये इन एरियाज में अगर कोई कैंसर होता है तो उसको हम हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। इसके अलावा भी हमारी थूक की ग्रंथियां होती हैं, अगर उनमें भी कोई ट्यूमर या कोई कैंसर है तो वो हमारे हेड एंड नेक कैंसर के पार्ट में ही आता है। सिमिलरली एक थायराइड एक ऑर्गन रहता है जो तितली शेप का रहता है, हमारे गले में सेंटर में सिचुएटेड रहता है, उसके अपने अलग कैंसर होते हैं, लेकिन वो भी एक हेड एंड नेक कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हो गया कि किस एरिया की बात है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें से किसी भी जगह कैंसर है। देखिए, मुंह एक ऐसी जगह है जहाँ हम दो टाइम ब्रश करते हैं तो हमें हमेशा पता चलता है। कुछ भी खाना खाते हैं, अगर हमको छोटा सा भी छाला होता है तो पता चलता है, लेकिन अगर वो छाला, कोई भी गांठ लंबे समय से हमारे मुंह में है, करीब 15 से 20 दिन हो गया है, आप कुछ कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसी तरह मुँह में इस तरह से छाला हो सकता है, गांठ हो सकती है, कोई सूजन जैसा हमारे इसमें हो सकता है, तो इग्नोर नहीं करना है। गले में अगर कोई कैंसर है तो कई बार वो मिस होता रहता है क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देता। तो कौन से सिम्टम्स है, जैसे कि हमें गले में निगलने में तकलीफ हो रही है, अटक रहा है, आवाज़ में कोई बदलाव महसूस हो रहा है, तो ये सिम्टम्स ये बताते हैं कि है ना हमारे थ्रोट रीजन में कुछ प्रॉब्लम है। आवाज़ में जब चेंज है तो हमारे वॉइस बॉक्स में भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा ये तो हुए कि छाला हो गया, गांठ हो गई, हमारे गले में जो ग्रंथियां रहती हैं उन वो ग्रंथियों में भी सूजन हो के कुछ कैंसर्स हो सकते हैं, जो लिम्फोमा जिस तरह की जो एक बीमारी होती है जो ब्लड से रिलेटेड है, लेकिन वो भी हेड एंड नेक रीजन में प्रेजेंट करती है। तो कोई भी छोटी सी छोटी गांठ हो गई, छाला हो गया, सूजन हो गया, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है और हमें डॉक्टर से जाके मिलना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम एक चांस अपने आप को दें और हम अगर मिस नहीं करते हैं, अर्ली स्टेज में ये डायग्नोस हो जाता है, जो हमारी सबकी यही एक कोशिश है, क्योंकि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, डायग्नोस होता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम बेहतर से बेहतर कर पाते हैं, जो जबकि लेट होने पे हमारी हम अपने आप को इनकेपेबल समझ पाते हैं, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम अच्छे से आपको इलाज नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से हमें जाना है, और खासतौर पे जो प्रिवेंटेबल कॉज है जैसे कि तंबाकू, गुटखा, सुपारी, इन सब से दूर रहना है। एक और बहुत बड़ा कारण है जो कि आजकल HPV जो बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो गले के कैंसर में उसका रोल पाया गया है, उसी तरह से एक Epstein-Barr वायरस भी होता है। बट ये सारी चीज़ें आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही समझ पाएंगे, इसलिए हमें डॉक्टर से दूरी नहीं बनाना है, हमको अपने छोटे छोटे से लक्षण के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और जल्द से जल्द हमें हेड एंड नेक कैंसर जैसी चीज़ जो आज मैंने आपको समझाई है उसके लक्षणों को समझते हुए अपना चेकअप कराना है। थैंक यू सो मच।